नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा में। और आज हम 6 जून 2020 से संबंधित डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। और जैसा आपको पता है कि हम इन क्वेश्चनों के साथ साथ में इनकी समस्त डिटेल के साथ इनको कवर करते हैं, ताकि इसके साथ हम और भी कई छोटे मोटे क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है और उससे क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर का भी जो पोर्शन होता है वो भी आपका कवर हो जाता है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और दोस्तों सबसे इसके बाद मैं आपको एक मतलब मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से हमारी इस वीडियो को प्यार दे रहे हैं, लाइक देकर, अपने दोस्तों में शेयर कर, और कंटिन्यू आप इस वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं, पूरा देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही यदि आपको इस सेशन से संबंधित कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से आज इसके सेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपकी 6 जून है और इसी के साथ अपने दोस्तों को सभी को ये सेशन तुरंत से शेयर कर दीजिए लाइक करते हुए। पहले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में किसे बक्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णेंद्र मजूमदार को। तो देखिए फ्रेंड्स, बक्टा आपकी एक मतलब एक संस्था होती है, एक मीडिया संस्था की तरह होती है ये। तो इसके बारे में बता दें, जो आपके कृष्णेंदु मजूमदार हैं, ये एमी अवार्ड विजेता तथा टीवी निर्माता कार्यक्रम के नरेंद्र मजूमदार को हाल ही में बक्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बक्टा के 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अश्वेत व्यक्ति को बक्टा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आप फैक्ट दोनों ध्यान रखेंगे। जो आपके कृष्णेंद्र मजूमदार हैं, ये आपके एमी अवार्ड विजेता हैं। दूसरी बात, ये बक्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक हैरिस नाम के जो बप्टा के इनसे पहले अध्यक्ष थे उनकी जगह ली है, और पिप्पा हैरिस बप्टा के अब डिप्टी चेयरमैन यानी कि डिप्टी चेयरमैन बनाए गए हैं। इसी के साथ ही 2020 बप्टा अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए बप्टा ने भी अपने अवार्ड दिए थे, तो इन अवार्डों की चर्चा कर लेते हैं। तो इन अवार्डों में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था 2020 में, वो दिया गया था 1917 फिल्म थी उसको। इसी के साथ ही बेस्ट एक्टर अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था जोकिन फिनिक्स को, जो कि फिल्म जोकर से संबंधित थी। बेस्ट अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था रैनी जेल वेगर को, जो कि फिल्म जूडी से संबंधित थी। बेस्ट डायरेक्टर यानी कि निदेशक का अवार्ड दिया गया था सैम मिंडिक्स को, जो कि फिल्म 1917 से संबंधित थे। अब बक्टा की बात कर लें तो देखो इसकी फुल फॉर्म रहेगी बक्टा की, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट। और इसी के साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शनों की बात कर लेते हैं बक्टा से, जो अभी ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि आप इसको कनेक्ट करके देखें मजूमदार। तो हाल ही में आपको मैंने एक भारत के राजदूत का नाम पढ़ाया था, जिसका नाम था जयदीप मजूमदार। तो मजूमदार मजूमदार दोनों पीछे मजूमदार मिल रहे हैं, तो इसलिए आप इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जयदीप मजूमदार हाल ही में आपके ऑस्ट्रेलिया मतलब कुछ समय पहले ही, अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए थे ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ ही जब जयदीप की बात आ रही है, तो एक जयदीप सरकार भी थे आपके, जो जयदीप सरकार थे वो लेसोथो जो दक्षिण अफ्रीकी देश है उसमें भारतीय
राजदूत नियुक्त किए गए थे। और एक मेरे गायत्री कुमार का नाम ध्यान आ गया है आपको ये राजदूत पढ़ाते हुए। तो गायत्री कुमार अभी 2-3 दिन पहले ही ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो VN दत्त को, यानी कि इनका अगर पूरा नाम बताओ तो वीरेंद्र नाथ दत्त को। अभी इसका NFL, जिसको हम शॉर्ट में NFL यानी कि नेटर फर्टिलाइजर लिमिटेड कहते हैं, उसका CMD बनाया गया है। अब आपको बता देते हैं, यह मिनी रत्न कंपनी, इसको आपको पता है कि इसे मिनी रत्न भी बोला जाता है। तो मिनी रत्न कंपनी केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनाइज फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल आदि का निर्माण करती है। वीरेंद्र नाथ दत्त इस कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर भी हैं। तो इस पद के साथ में ये मार्केटिंग डायरेक्टर भी हैं इसके, और इनको ये अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। अगर NFL की बात करें, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1979 को हुई थी और इसका मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये मैन आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए, पैट्रिक पी चेट को अपना नया अध्यक्ष के रूप में, बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में ट्विटर ने यहाँ नियुक्त किया है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में गूगल ने पूर्व चीफ फाइनेंस ऑफिसर, देखिए गूगल के पूर्व चीफ फाइनल ऑफिसर जिसको CFO बोला जाता है शॉर्ट में, उनको नया अध्यक्ष अपने बोर्ड का नियुक्त किया है ट्विटर ने। और आपको इसी के साथ में बता देते हैं कि ट्विटर में भी यह पहला मौका होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति, ना कि अश्वेत बल्कि बाहरी व्यक्ति, इस बोर्ड की अध्यक्षता करेगा या अध्यक्ष होगा। इसी के साथ में आपको बता देते हैं, कुछ नाम बता देता हूँ। मार्कोस ट्राइजो का नाम ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में NDB यानी कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बनाए गए हैं। थियरी डेलापोर्ट का भी नाम ध्यान रखेंगे। विप्रो के नए अभी CMD बनाए गए थे। और इसके साथ ही कारमेन रेनहॉट का भी नाम ध्यान रखेंगे। ये आपकी जो WB यानी कि वर्ल्ड बैंक है, उसकी नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनाई गई हैं। ट्विटर की बात बता दूँ तो देखिए सर, ट्विटर जो आपकी एक मतलब आप जानते ही हैं, खैर ट्विटर के बारे में, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसके साथ ही हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया, संयुक्त स्टेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। इसकी जो इसकी खोज ट्विटर पर, एक आपके जो इससे पहले आपको बता दूँ, CEO जो हैं इसके जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के। एक आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ध्यान आ रहा है, अब आपको बता देता हूँ। टॉप लोमोसेज ट्विटरी नाम का एक आपका परजीवी फफूंद था, जिसकी खोज मतलब ट्विटर पर की गई थी, यानी कि ट्विटर पर ही उसकी खोज का पता लगा था। और इसके बाद में जो ये आपका परजीवी फफूंद है, इसका नाम ट्विटर के ऊपर ही रख दिया गया, यानी कि इसकी खोज ट्विटर पर ही हुई थी, तो इसलिए ट्विटर से मिलता जुलता इसका नाम रख दिया। तो ये नाम आपको, मतलब कहने का ये है कि ये नाम आपको ध्यान रखना है हर हालत में। इसका नाम है ट्रोपलोमाइसिस ट्विटरी, इस परजीवी फफूंद का नाम है। तो ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। तो हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभुता रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका BAA3। तो आपको बता देते हैं कि हाल ही में जो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस है, इसने इसका जो संप्रभु रेटिंग है भारत का, वो घटाकर BAA3 कर दिया है। अब आपको बता देते हैं, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BAA3 कर दिया है, और पहले ये BAA2 यानी कि एक पॉइंट इससे अच्छी थी। इसके बाद में आपको बता देते हैं, ये संप्रभु रेटिंग होती क्या है? तो ये एक प्रकार की
रेटिंग है, जिसके जिसे रुपये उधार लेने वाला जो देश होता है, जो कि जो कर्ज लेने वाला देश होता है, वो मतलब कर्ज जब लेता है तो कर्ज देने वाला देश उसकी ये रेटिंग का मतलब जायजा लेता है या जांच करता है इस रेटिंग के बारे में, कि भाई जो देश है कर्ज ले रहा है उसकी संप्रभु रेटिंग क्या है। तो संप्रभु रेटिंग का मतलब कहते हैं एक तरह से नोडूज है ये। नोडूज आप जानते हैं, नोडूज क्या होता है, जो बैंक से हम लोन लेते हैं तो ग्राहक को एक नोडूज देना होता है कि भाई उसका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई लेन देन किसी भी सरकारी ये बैंक में मतलब है या प्राइवेट बैंक में कोई उसका मतलब अभी वर्तमान में नहीं है, उसके बाद ही उसको लोन दिया जाता है। तो ये एक तरीके से नोडूज होता है। तो उसकी जो रेटिंग है उसके आधार पर ये देखा जाता है कि भाई ये मतलब समय पर जो कर्ज ले रहा है उसको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए इसको उपयोग में किया जाता है। तो देखिए जब कोई देश किसी दूसरे देश से रुपये उधार लेता है तो उधार देने वाला देश उधार लेने वाले देश की इस रेटिंग सूची में इसकी रेटिंग चेक करता है। और चेक क्यों करते हैं कि भाई अगर उसकी रेटिंग खराब है तो जो वो ब्याज पे रुपये दे रहा है तो या तो वो उसको अतिरिक्त ब्याज, जैसे कि पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को जितने भी देश जब रुपया देते हैं ना तो वो पाकिस्तान की रेटिंग चेक करते हैं, तब जाके पाकिस्तान को ये रुपया दिया जाता है। तो आप इस तरह से समझिए। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि लोकल भाषा में आपको मैं बताऊं, आम बोलचाल में, जैसे कि जब हम किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो वह कर्ज देने से पहले उधारक यानी कि जो उपभोक्ता होता है कर्ज लेने वाला, उसे नोडूज या एनओसी रिपोर्ट मांगती है कि भाई आप फलानी बैंक से ये आप लेके आइए और उसके बाद में हम आपको कर्ज देंगे। तो ये एक तरह का नोडूज होता है, एक गारंटी, एक मतलब श्योरिटी होती है कि भाई मतलब एक प्रमाणिकता होती है कि भाई मैंने किसी भी बैंक का कोई भी उधार मतलब नहीं ले रखा है और ना मेरे ऊपर बकाया है। तो उसका एक तरीके से रिकॉर्ड चेक किया जाता है, यानी कि जो उसकी आर्थिक जो व्यवहार है, यानी कि उसका जो आर्थिक व्यवहार है उसको रिकॉर्ड को चेक किया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही आपको मैं बता दूं मूडीज जो शब्द आया है ये क्या है। तो देखिए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस मूडीज कॉरपोरेशन की ब्रांड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी है, इसको संक्षेप में मूडीज कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यह निवेशक सेवा के अंतर्गत जो निवेशक सेवाएं जैसे होती हैं, जैसे कि आपकी जो कोई सरकारी फैक्ट्री है या सरकारी बैंक है या और कोई, तो ऐसी जो अंतर्गत जो बड़ी ब्रांड होती हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध करती है यानी कि रिसर्च करती है, उनका जो वित्तीय जो शोध होता है उसको करती है। इसके वर्तमान में सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू और मैक डैनियल्स जूनियर, ये दो इसके अभी वर्तमान में सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, जबकि संस्थापक इसके जॉन मूडीज हैं और 1909 में इसकी जॉन मूडी ने न्यूयॉर्क के अंदर ही स्थापना करी थी। तो ये आपका मूडीज आपको पता होगा, तो कुछ समय पहले इसने भारत और जो विश्व की जीडीपी है उसका भी इसने आकलन करके बताया था कि भाई भारत की जो 2020-21 में वित्तीय वर्ष है उसकी क्या जीडीपी रहने वाली है, तो इसने बताया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो ये मूडीज वाला क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स, इसमें मूडीज वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि इस रेटिंग में 2004 में जो भारत का स्तर था वो सबसे बेहद उच्च स्तर का था, और जो स्तर की माप नापी गई थी वो BAA3 अपग्रेड पर रहा था 2004 में, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो ये 23वीं यानी कि 23वीं रैंक है। और आपको बता देते हैं स्टार्टअप का मतलब तो आप खैर जानते ही हैं, स्टार्टअप का मतलब होता है नया उद्योग, मतलब जो नए उद्योग शुरू करते हैं या लगाते हैं उससे संबंधित है।
तो ये जो अभी रेटिंग आई है, ये लॉकडाउन जैसे कि अब हमारे काम धंधे शुरू हो गए, उद्योग धंधे शुरू हो गए, तो उसके बाद में आकी गई है, तो उसमें भाई कोरोना जो वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद में जो उद्योग धंधे दोबारा पुनः शुरू हो रहे हैं, तो उसके आधार पर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये रैंकिंग ये बताती है कि नए उद्योगों को शुरू करने में कौन सा देश कितना अच्छा है, ठीक है, ये उसकी मतलब अनुमान लगाकर बताती है। तो इस नई रैंकिंग के जरिए होने वाले पहले भारत मतलब अब तो 23वीं नंबर पर है, लेकिन लॉकडाउन से पहले 17वें नंबर पर था, मतलब इससे काफ़ी अच्छी स्थिति थी लॉकडाउन से पहले। और इस नई जो रैंकिंग आई है, इसमें जो सबसे टॉप में यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो देश रहा है वो रहा है आपका अमेरिका। हाल ही में किस तूफान ने, ये देखिए इसकी फोटो नहीं है हमारे पास तो फोटो उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, सॉरी। हाल ही में किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई है, तो ये अमांडा नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था, और अमांडा ने अभी जो आपका मध्य अमेरिकी देश हैं उनमें काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाया है। तो ये आपको फोटो भी उपलब्ध करा दिए, तो आपको बता देते हैं हाल ही में मध्य अमेरिकी देश अल इस्कुआडोर नाम का एक देश है, और इसी के साथ ही इक्वाटेमाला एक देश है। तो इन दोनों देशों में इसने उष्णकटिबंधीय जो तूफान आया है अमांडा, इसने काफ़ी नुकसान किया है। जब तूफानों की बात हो रही है, तो मेरे इंडिया में आने वाले अभी जो 3 जून को टकराया था आपका भारत के पश्चिमी समुद्री तट से तूफान, जिसका नाम निसर्ग तूफान था, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकराया था, उसके बाद में भारी नुकसान हुआ है वहाँ। तो जो निसर्ग तूफान आया था, ये आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में आया था, कौन से समुद्र तटीय कौन से हिस्से में आया था, तो ये आया था भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर, और जो निसर्ग नाम था ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। अम्फान भी आया था, तो अम्फान भारत के पूर्वी तट पर आया था, और इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो राज्य हैं वो प्रभावित हुए थे। और अपमान जो नाम दिया गया था, ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। निसर्ग नया नई सूची का जो अभी तूफानों के नामों की नई सूची जारी हुई, उसका पहला नाम था, और अम्फान जो तूफानों की पुरानी सूची थी उसका आखिरी नाम था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। डायने समुद्री चक्रवात, ये आपका आया था प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देश मेडागास्कर में, और यहाँ पर इस चक्रवात से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए भारतीय नौसेना ने एक वनीला नाम का ऑपरेशन भी चलाया था। इसी के साथ आप मंगा जो समुद्री चक्रवात है उसको भी ध्यान रखेंगे, ये कुछ समय पहले ही आपका ऑस्ट्रेलिया में आया है। तो ये आपके 4 समुद्री तूफान हैं जो हाल ही में करंट के रिलेटेड बनते हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए कौन से नए पद की नियुक्ति करने की बात कही है? तो फ्रेंड्स, ये जो नया पद आपका आएगा, ये आएगा स्वास्थ्य मित्र नाम से, यानी कि स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। तो आपको बता देते हैं हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र जो राजस्थान के मंत्री हैं रघु शर्मा, उन्होंने इस इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में ये निर्णय ले लिया गया है कि भाई जो गांव हैं उनके अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए जो स्वास्थ्य मित्र नामक पद है, इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए, इसमें तो आपका जो नाम है वो मिसप्रिंट हो गया है, तो ये रवि शर्मा नहीं है, पहले तो आप इसको सुधार लें, रघु शर्मा है, आपको बोल के बता रहा हूँ। और रघु शर्मा वर्तमान में राजस्थान सरकार में आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसी के साथ ही ये स्वास्थ्य मित्र जो होंगे, इनकी अपॉइंटमेंट मतलब एक गांव से 2 व्यक्ति लिए जाएंगे, मतलब गांवों के ही व्यक्तियों की इसमें पोस्टिंग होगी। स्वास्थ्य मित्र का कार्य क्या होगा? तो देखिए, ये केंद्र व राज्यों की समस्त स्वास्थ्य योजनाओं को गांवों के हर घर तक पहुंचाएंगे, हर जो छोटे बड़े गरीब अमीर जो लोग हैं उन सब तक इसकी सूचना पहुंचाया करेंगे। इसी के साथ ही निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत इस स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। तो मिशन का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई किस मिशन के अंतर्गत ये स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति होगी, ये मिशन का नाम रहेगा निरोगी राजस्थान अभियान।
और इस निरोगी राजस्थान अभियान है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो खुद स्वास्थ्य राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ही बने हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जब राजस्थान की बात हो रही है तो आपको जीते जो स्टेटिक जीके है उसका पोर्शन बता देता हूँ। तो देखिए, जो जयपुर है ये पिंक सिटी के नाम से फेमस है, इसी के साथ ही राजधानी भी है। सीएम आपके अशोक गहलोत हैं, डिप्टी सीएम आपके सचिन पायलट हैं, गवर्नर आपके कलराज मिश्र हैं और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं, जबकि राज्य पशु ऊंट और चिंकारा है। ऊंट पहले से था, चिंकारा बाद में अपनाया गया है। राज्य पक्षी आपका गोडावन है, जबकि राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है, और राज्य फूल आपका रोहिड़ा का फूल है। राज्य मिठाई राजस्थान की क्या बनती है? तो देखिए साहब, घेवर बनती है, मुंह में पानी आ गया। इसी के साथ ही जो आपकी राष्ट्रीय दिवस बनता है वो आपका 30 मार्च बनता है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेल आपका बास्केटबॉल बनता है, राज्य खेल। राज्य नृत्य आपका घूमर है, जो कि आपने एक पद्मावती ऐसे कुछ फिल्म आई थी जिसका काफ़ी विरोध किया था करणी सेना ने, और राष्ट्रव्यापी उसका विरोध किया गया था। तो उस फिल्म में इस घूमर नृत्य को अपना मतलब दर्शाया गया है बहुत विस्तृत रूप से, और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें पूछा भी गया है, यूपीएससी लेवल तक। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो देखिए, राजस्थान के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जो कि नेशनल पार्क भी है, और ये आपका सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बड़ा फेमस है। इसी के साथ ही आपका बाघों के लिए फेमस है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व और नेशनल राष्ट्रीय उद्यान आपका इसमें अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्थित है, और ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था, एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरे कबूतर का एक क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने आपको बताया था हरे कबूतर से संबंधित। इसी के साथ ही डेजर्ट जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये आपका जैसलमेर के अंदर है, और ये डेजर्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क जो बोला जाता है इसको, घना पक्षी विहार या कैवला देव घना पक्षी विहार इसका पूरा नाम है, ये भी आपका राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में अंदर है, और ये देसी विदेशी ज़्यादातर विदेशी पक्षियों के लिए फेमस है, क्योंकि सर्दियों में दूर दराज के जो देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ तक के पक्षी, अमेरिका तक के पक्षी यहाँ पर विचरण करने आते हैं, सर्दियाँ गुजारने के लिए आते हैं। तो अप्रवासी जो पक्षी हैं उनके लिए फेमस है। इसी के साथ आप ताल छापर राष्ट्रीय अभयारण्य भी याद रखेंगे, जो कि काले हिरण के लिए फेमस है, और ये चूरू में स्थित है। इसी के साथ चूरू एक डिस्ट्रिक्ट है, चूरू में शायद आपके एक फेमस बालाजी हैं जिसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब वो क्वेश्चन है राजस्थान से संबंधित के, हाँ सालासर बालाजी, सालासर बालाजी आपके चूरू में है, जो कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी के नाम से भी फेमस है। इसी के साथ देश में सबसे पहले जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो आपके नागौर जिले से हुई थी, और ये तो आपको पता ही है कब शुरू हुई थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 1959 में ये शुरू की गई थी। इसी के साथ में साबर लेक का नाम आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय और अंतर प्रवाहित झील है ये, और दूसरी आपकी चिल्का झील है जो कि समुद्र तटीय झील है, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी सबसे बड़ी समुद्र तटीय झील है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं करंट जीके के क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित। तो देखिए, जयपुर आपका जो जयपुर परकोटा है, मतलब पुराना जयपुर शहर, उसको अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। रीमा हुजा का नाम ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप, द इन विजिबल वॉरियर्स नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और अभी हाल ही में 480वीं जयंती महाराणा प्रताप की मनाई गई है, क्योंकि 8 जून को इनका जन्मदिन रहता है, तो 8 जून को ये आपकी जो महाराणा प्रताप है उनकी 480वीं जयंती मनाई गई है। इसी के साथ आपको बता देते हैं, भारत का पहला राज्य जिसने कोविड-19 के कारण सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, और ये कल भी आपको मैंने बताया था, सबसे पहले भारत में लॉकडाउन लगाने वाला राजस्थान, और सबसे पहले कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला राज्य आपका पंजाब था। इसी के साथ स्माइली रनिंग ऐप, राज कोप मोबाइल एप्लीकेशन, आयु एवं साथी एप्लीकेशन, ये सब आपकी
राजस्थान से संबंधित जो कोविड-19 के चलते एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी उससे संबंधित है। इसी के साथ ओम बिरला का नाम आपको ध्यान रखना है। ओम बिरला कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने हाल ही में मतलब कुछ समय पहले इन्होंने कोटा में सुपोषित माँ अभियान को लॉन्च किया था राष्ट्रीय स्तर पर। और सुमन राव का भी नाम ध्यान रखना है, मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतने वाली राजस्थान की महिला है। मनीषा कुलश्रेष्ठ का भी नाम रखना है, ध्यान रखना है, बिहारी पुरस्कार 2020 जीतने वाली पहली राजस्थानी महिला बनी है। पायल जांगिड़ का नाम ध्यान रखना है, चेंज मेकर अवार्ड से पाने वाली पहली भारतीय बनी है। और जो चेंज मेकर अवार्ड है ये आपका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये आप कल वाले चैप्टर में मैंने बताया था। इसी के साथ पायल जांगिड़ के साथ ही नरेंद्र मोदी जी को इसी फाउंडेशन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक अवार्ड मिला था 2019 में, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ये मतलब जो गेट्स फाउंडेशन है उसके द्वारा दिए जाते हैं। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में किसे CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो उदय कोटक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। उदय कोटक कौन है? तो देखिए, उदय कोटक आपके कोटक जो महिंद्रा ग्रुप सॉरी कोटक बैंक जो ग्रुप है उसके फाउंडर हैं। और CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, इसकी फुल फॉर्म होती है जैसा कि आप नीचे देख ही रहे हैं। स्थापना इसकी 2 जून 1985 में हुई थी और हाल ही में CII के 125वें स्थापना दिवस पर यानी कि 2 जून का 125वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। तो उस पर नरेंद्र मोदी जी ने जो CII है इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस के इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, यानी कि VC को संबोधित किया था। इसी के साथ CII का कार्य क्या होता है? तो भारत में उद्योगों के समन्वय को बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य होता है। और उदय कोटक की बात करें तो आपको पता ही है, फोर्ब्स इंडिया विलियर्स 2020 की सूची में फोर्थ स्थान पर सबसे भारत के अमीर व्यक्ति बने हैं ये। और इनकी अगर कुल संपत्ति की बात करूं तो फ्रेंड्स 10.4 या 5 अरब डॉलर के आसपास इनकी संपत्ति आकी गई है फॉरवर्ड्स के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू, जो कि आपके खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। तो यह प्रोग्राम युवा मामले व खेल मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसमें होगा क्या? तो शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और सामुदायिक जो प्रशिक्षक हैं, यानी कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक और सामुदायिक प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए मतलब इसमें जोड़ते हुए संबंधित करते हुए संबोधित नहीं संबंधित करते हुए मतलब कि इसमें जोड़ते हुए 25 दिवसीय ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा को महत्व देना तथा उसकी महत्ता को बढ़ाना। इस प्रोग्राम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो आपको पता ही है इसके जो मंत्री हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं आपके निशंक, निशंक के नाम से हैं आपके उत्तराखंड के हरिद्वार, जो उत्तराखंड हरिद्वार से ये आपके सांसद भी हैं। नाम ध्यान आ जाएगा तो पूरा नाम बता दूंगा, वैसे निशंक निशंक इनका उपनाम है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, रमेश पोखरियाल निशंक, मेरे नाम ध्यान आया, रमेश पोखरियाल निशंक इसके अभी वर्तमान मंत्री हैं। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से संयुक्त रूप से ये चलाया जाएगा तथा इस प्रोग्राम को देश के सभी विश्वविद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको मतलब इससे जोड़ा जाएगा। हाल ही में भारत में देखिए आपको बता दें, खेलो इंडिया जो पहल चल रही है लोगों को खेल के प्रति जागृत करने की, उसके अंतर्गत ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो कन्फ्यूज मत होना,
इसके कैसे भी नाम दे सकता है, या तो कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम दे सकता है या खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों कैसे भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रोग्राम भी आपका वर्तमान में भारत में चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम। तो जो ये फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम है, इसकी जो खेलों से संबंधित है, ये 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, और 29 अगस्त जो आपकी होती है उस दिन भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम बनाते हैं, और मेजर जो ध्यानचंद जी हैं उनका जन्म दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को आपके मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। एक आपका मेरे ध्यान आया है, 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि माई लाइफ माई योगा नाम की एक पहल भी शुरू की गई है योगा से, प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो ये सब पोर्शन आपको मतलब कनेक्ट करते हुए याद रखने हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में किन लोगों के लिए स्वदेश पहल शुरू की है? तो देखिए, ये उन लोगों के लिए स्वदेश पहल शुरू की है जो लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत या अंतर्गत भारत वापस लाया गया है। मतलब ये भारत के ही लोग थे, लेकिन कुमारी खाने की वजह से दूसरे देशों में चले गए और वहाँ लॉकडाउन की वजह से अटक गए। अब इनको वापस भारत लाया गया है, तो उन लोगों को भारत लाने के बाद में अब उनके रोजगार की समस्या सामने आ रही है कि भाई उनको रोजगार किस तरह से दिया जाए। तो उनके रोजगार की मतलब उपलब्ध करवाने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये पहल आपकी भारत सरकार ने शुरू की है। तो इसमें हमने आपको तीनों मतलब तीन फोटोज के जरिए आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वंदे भारत जो मिशन है, इसके अंतर्गत पहली बात ये हो गई कि वंदे भारत मिशन क्या था। तो वंदे भारत मिशन ये था कि जो विदेशों में भारतीय लोग कुमाने खाने के लिए कामगार गए थे, उनको वहाँ से वापस लाया गया, और ये एयर इंडिया की पहल थी। किसकी थी? एयर इंडिया की। आपको एयर इंडिया के हवाई जहाज दिख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें, तो ये पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। दूसरा, जो ये नागरिक विदेशों से लाए गए हैं, इनको रोजगार दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए, देखो आप इसमें देख भी रहे हैं, स्वदेश दिलाएगा स्वदेशियों को नौकरी, तो उनके लिए ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। तो इसमें आपको बता देते हैं थोड़ा सा और डिटेल से, जो स्वदेश है ना, इस स्वदेश की भी फुल फॉर्म होगी, इसका भी एक मीनिंग होगा पूरा। तो स्वदेश का जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा आपका स्किल्ड वर्कर्स अराइवल इंटरवेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये आपकी फुल फॉर्म बनेगी। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, एक वेबसाइट इन लोगों के लिए लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा, www.nsdciindia.org. स्वदेश के नाम से। और इस पर क्या है कि ये मतलब ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध होगा इन लोगों के लिए, जिसमें ये अपनी समस्त डिटेल, जो ये काम जो जानते हैं उस काम से संबंधित पूरी डिटेल भरी जाएगी, जिसमें इनका मतलब कि कार्य क्षेत्र पूछा जाएगा, मतलब किस काम से ये रिलेट करते हैं या कौन सा काम ये जानते हैं, उनका कार्य अनुभव के वर्ष, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है, नौकरी का शीर्षक पूछा जाएगा, और इसी के साथ में और कई स्पेशल डिटेल्स भी इनसे पूछी जाएगी। उसके अंतर्गत उस एप्लीकेशन के बाद में इनको सेलेक्ट किया जाएगा और इनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये पहल थी आपकी स्वदेश। इसी के साथ आज का आपका HW का क्वेश्चन है, होमवर्क का, कि हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपको बताना है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कल हमने आपसे पूछा था कि हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, ये किसने लॉन्च किया था गाना? तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अंत तक जरूर देखेंगे और अपने सभी दोस्तों में इसे लाइक करते हुए शेयर कर देंगे। इसी विश्वास के साथ कल दोबारा से एक नए सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम स्टे सेफ, धन्यवाद।